ये ठाकुर जी का राजभोग का मुखारविंद सर। ये पूरा कली श्रृंगार में बनाया हुआ है। इसमें मुखारविंद भी ठाकुर जी का एकदम स्माइलिंग है, नेत्र भी एकदम तेज वाले बनाए हुए हैं, और मुखारविंद और स्माइलिंग देखोगे तो एकदम मन मन मुस्कुराते हुए लगेंगे ठाकुर जी। नीचे पूरा हैवी कंठला दिया हुआ है, कंठले में कली वर्क के साथ बारीक पेंटिंग की पत्तियां बनाई हुई हैं। साइड में कुंडल में दोनों में मोर धराए हुए ठाकुर जी के, और ऊपर ओरिजिनल मोर पंख का श्रृंगार किया हुआ है। बीच में मुकुट में मोर बनाया है, और डिजाइन के हिसाब से मोर के पूरे साइड में मोर पंख लगाए हुए हैं। ये सफेद पीछा भी दिया हुआ है। अब आप इसमें मल्टी कलर वाला लाइटिंग दिया हुआ है, आप अलग अलग लाइट्स में देखोगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। इस स्वरूप में मोरपंख इसलिए लगाए हुए हैं सर कि मतलब ये बोला जाता है कि मोरपंख से घर में पॉजिटिविटी आती है, उस हिसाब से पूरे स्वरूप में ओरिजिनल मोरपंख ही लगाए हुए हैं। आप दर्शन करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। वाइट